सिंहभूम लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा के पक्ष में आज छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने मनोहरपुर में चुनावी सभा की। जनसभा को संबोधित करते हुए विष्णुदेव साय ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि जनता को पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा है। गीता कोड़ा के पक्ष में वोट की अपील करते हुए विष्णुदेव साय ने कहा कि गीता कोड़ा को जिताकर पीएम मोदी का हाथ मजबूत करें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी मेरे साथ हैं। सर, पूरा तो आपने देखा, पूरा आपको लग रहा होगा, क्या लग रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ में तीन चरण में मतदान था, वो संपन्न हो गया है। उसके बाद हम लोग बाहर प्रदेशों में जा रहे हैं पार्टी के आदेशानुसार, और अभी हम दो दिन ओडिशा प्रदेश में थे और आज ये हमारा शुरुआत है झारखंड, और ये सिंहभूम लोकसभा में आए हैं और इसके बाद दो लोकसभा में और हमारा कार्यक्रम है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं उड़ीसा में भी दो दिन में कई सभा हम अटेंड किए, तो वहाँ भी बहुत अच्छा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और झारखंड में भी है। ये तो हमारा लगा हुआ है और हमारा ननिहाल प्रदेश है, हमारे मामा लोग सब भारतीय जनता पार्टी में ही हैं और अब देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में और श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर में बढ़ा है। सबको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही वास्तव में गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबका हितैषी पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से 10 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए गरीबों के लिए जो काम किए हैं, उनको आवास देने का काम, गैस सिलेंडर देने का काम, खाता खोलने का काम, सड़क, बिजली, पानी पहुँचाने का काम, ये सब देश की जनता, झारखंड की जनता भी देख चुकी है और सबको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री के रूप में इस देश की सच्ची सेवा कर सकते हैं। और हमको पूरा विश्वास है कि इस बार झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, सिंहभूम सहित यहाँ की अधिकांश सीट जीतेंगे। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से जो विपक्ष लोग हैं दिग्भ्रमित कर रहा है लोगों को कि कुछ तरह कह कह के, उसके लिए आप कितने तैयार हैं? देखिए, वो जनता तय करेगी। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत तो जनता के वोट में है और आज जनता मूल्यांकन कर रही है कि आज़ादी के 75 वर्षों में सभी पार्टियों को देख चुकी है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इस बार जनता चुनेगी। इस बार 400 पार? जी, इस बार बिल्कुल 400 पार होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।